प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल आइटम के बदले आज पेपर से बने डिस्पोजेबल को उपयोग में लाने की सलाह दी जा रही है। पेपर से बने डिस्पोजेबल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिट्टी में आसानी से नष्ट हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों से वातावरण को होने वाले खतरे को देखते हुए सभी देशों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने का फैसला किया है, जिससे पृथ्वी के संरक्षण को बचाया जा सके, और इसी कोशिश की बदौलत डिस्पोजेबल के उत्पाद की उत्पत्ति की गई। कैसे शुरू करें डिस्पोजेबल आइटम बनाने का बिजनेस? डिस्पोजेबल आइटम कप प्लेट जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी है इसे बनाने वाली मशीन, और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा महंगी आपको इसकी मशीन ही पड़ेगी। पेपर कप और प्लेट बनाने वाली मशीन के साथ ही आपको इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इन सब बातों में ध्यान लगाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट रिसर्च। इनमें कोई दो राय नहीं कि पेपर कप और प्लेट की जरूरत आजकल हर सेक्टर और जगहों पर पड़ती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गांव तक हर जगह बड़े पैमाने में किया जाता है, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर में आपको अपनी फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट को अपने स्थान से ज्यादा दूर सप्लाई करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको अपने शहर के लोकल मार्केट में रिसर्च करने के अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करनी होगी। आप शुरू में अपने नजदीकी मार्केट, चाय की दुकान, होटल, ढाबों, जनरल स्टोर या किसी बड़े मॉल या सुपरमार्केट में इन्हें सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना काफी जरूरी है कि आपके एरिया में या जहां आप अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं वहां इस तरह का कोई बिजनेस पहले से स्थापित तो नहीं है, और आपके नजदीकी लोग किन किन मौकों पर पेपर कप और प्लेट या फिर पेपर से बने दूसरे डिस्पोजेबल आइटम का इस्तेमाल करते हैं, और किस प्रकार और आकार के डिस्पोजेबल की मांग उस एरिया में सबसे ज्यादा है। डिस्पोजेबल बिजनेस के लिए बजट। अब अगर आपके पास पेपर कप और प्लेट की फैक्ट्री डालने के लिए ठीक ठाक बजट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसके लिए एक अच्छा खासा पैसे की जरूरत है ताकि आपकी फैक्ट्री और आपका काम सही से शुरू हो सके। तो आप किसी फाइनेंसर या किसी बैंक से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको सरकारी सब्सिडी लोन के बारे में जानना चाहिए, जिसे सरकार ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए आसानी से दे देती है। डिस्पोजेबल फैक्ट्री के लिए दुकान, जगह और लोकेशन। फैक्ट्री के लिए आपको ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहां से आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला पाएं। डिस्पोजेबल आइटम बनाने वाली मशीन का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आप चाहें तो इसे आपके घर या किसी छोटे कमरे में भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन के अलावा आपको इसका कच्चा माल और छोटे से ऑफिस की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट तक की जगह हो तो काफी सही रहेगा, लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल में करना चाहते हैं तो आप कोई दुकान या फिर खाली जगह ले सकते हैं, लेकिन जगह लेते समय लीज या रेंट एग्रीमेंट जरूर करा लें। डिस्पोजेबल फैक्ट्री के लिए जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहें तो शुरू में अपने बिजनेस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में प्रोपराइटरशिप के तहत रजिस्टर करा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई खास औपचारिकताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पेपर कप और प्लेट के प्रोडक्ट को सरकारी एजेंसीज भी खरीदें तो उसे बिजनेस को उद्योग आधार में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मशीनरी, कच्चा माल और जरूरी उपकरण। पेपर कप और प्लेट बनाने के लिए आप ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन की कीमत 6 लाख से 15 लाख तक हो सकती है। मशीन का रेट उसके द्वारा बनने वाले उत्पादन क्षमता के आधार पर अलग अलग होता है, यानी जो मशीन हर घंटे में ज्यादा डिस्पोजेबल बनाती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो मशीन कम पेपर कप बनाती है उसकी कीमत कम। तो आप अपने बजट और बिजनेस के आकार के हिसाब से मशीन को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही डिस्पोजेबल बनाने के लिए आपको कुछ सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि खास तरह के पॉली कोटेड पेपर, डाई और प्रिंटिंग केमिकल, बॉटम रील पेपर, डिस्पोजेबल का पैक करने के लिए पीपी कवर और कार्टन बॉक्स, और फैक्ट्री के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करें। आपकी फैक्ट्री में कर्मचारियों की नियुक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस लेवल में अपना काम शुरू कर रहे हैं और आपके प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता क्या है, यानी जितनी बड़ी आपकी फैक्ट्री होगी आपको उतने ही कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ना होगा, लेकिन हर तरह के एक नॉर्मल प्लांट के लिए आपको लगभग 5 से 6 लोगों को तो साथ लेना ही पड़ेगा। इसमें एक मैनेजर जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों की जिम्मेदारी संभाल सके। अगर आप चाहें तो आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं, इससे आपका पैसा काफी बच जाएगा। इसके साथ ही 2 मशीन ऑपरेटर, पेपर कप और प्लेट की चेकिंग और पैकेजिंग के लिए आप चाहें तो महिला कर्मचारियों को
नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऐसी महिलाओं को रखना पड़ेगा जो इस काम को आसानी से कर सके। साथ ही एक ऑफिस असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस काम में सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ ये है कि आपको डिस्पोजेबल बनाने के लिए किसी कुशल कारीगर या फिर अनुभवी व्यक्ति की खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको अपने काम के लिए कर्मचारियों की खास खोज नहीं करनी होगी। जहां तक डिस्पोजेबल कप और प्लेट के निर्माण कार्य या उसके प्रोडक्शन की बात है, तो डिस्पोजेबल बनाने की मशीन को चलाना काफी आसान काम है। इसे किसी भी आदमी को केवल कुछ समय या कुछ घंटे की ट्रेनिंग के बाद आसानी से समझाया जा सकता है। और अगर ऑटोमेटिक मशीन की बात करें, डिस्पोजेबल को बनाने की 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया, कप की साइड वाल को शेप दिया जाता है और उसे इसके बाद अगली स्टेज के लिए भेजा जाता है। दूसरी स्टेज में बॉटम पेपर का ट्रांसमिशन करके उसे कप के निचले हिस्से का आकार दिया जाता है और उसके बाद साइड वॉल और निचले हिस्से को मिलाया जाता है। इसके बाद कप के ऊपरी हिस्से को मोड़ा जाता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।